दोस्तों, ये जो हमारा दिमाग है ना, ये बातों को याद नहीं रखता बल्कि घटनाओं को याद रखता है। ये दिमाग हर घटना की एक इमेज बना लेता है और फिर उस घटना से जुड़े सारी बातें हमें याद रहती है और हम बाकी बातें भूल जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ठीक एक साल पहले आज ही के दिन आप क्या कर रहे थे, तो गारंटी आपको कुछ याद नहीं होगा, लेकिन सालों पुरानी बर्थडे पार्टी की मस्ती और बातें सब याद होंगी, क्योंकि आपके दिमाग में बर्थडे पार्टी वाली घटना एक इमेज बन चुकी है और उसे जुड़ी बातें भी याद आ जाती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप परीक्षा में कठिन सवालों के जवाब भी आसानी से याद कर सकते हैं, और ये एक ऐसा तरीका है कि आप याद की हुई चीज कभी भी नहीं भूलेंगे। चलिए एक सवाल पूछता हूँ, वाईफाई का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर होगा जॉन ओ सुलिवन ने। अब एक किस्सा सुनिए। एक बार एक लड़का जिसका नाम जॉन ओ सुलिवन था, वो एक लड़की के घर के बाहर अक्सर खड़ा रहता था। लड़की रोज खिड़की से जॉन ओ सुलिवन को अपने घर के बाहर खड़ा हुआ देखती थी। उसे लगा कि इस लड़के को मुझसे प्यार हो गया है, लेकिन जॉन ओ सुलिवन नाम का लड़का कभी कुछ नहीं बोला, वो बस उसके घर के सामने खड़ा रहता था। एक दिन लड़की खुद नीचे आई और कही, आप मेरे घर के सामने खड़े रहते हैं, लगता है आपको मुझसे प्यार है। तभी जॉन ओ सुलिवन ने बोला, अरे नहीं भाई, आपके घर के वाईफाई में पासवर्ड नहीं लगा है, मैं तो वाईफाई यूज़ करने के लिए चक्कर में खड़ा रहता हूँ। अब इस किस्से को पढ़ने के बाद आपसे कोई भी पूछेगा वाईफाई का आविष्कार किसने किया, तो तुरंत आपको ये कहानी याद आ जाएगी और तुरंत जॉन ओ सुलिवन का नाम भी याद आ जाएगा। तो दोस्तों, हम कई बार कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं और हमको लगता है कि वो हमें याद हो गई है, लेकिन कुछ देर बाद ही हम उनको भूल जाते हैं। अब जब भी आप कुछ याद करें तो उसे रिलेटेड एक कहानी बनाएं, कई मज़ेदार सी कहानी, फिर आपको चीज़ खुद ब खुद याद रहेंगी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा तरीका? भाई, मुझे ये तो तरीका बड़ा ही पसंद आया और मेरी नज़र में ये कारगर भी है। आप भी ट्राई करें और रिजल्ट देखें, और अगर सचमुच ये तरीका आपको अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो पर कमेंट करना ना भूलिए। नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं और अपना मैसेज हमें लिखकर जरूर भेजिए, हमको आपके मैसेज का इंतज़ार रहेगा। वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब अभी करो। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।